मोदी वालों वार वार ये सदे आने अज भी चिट्ठी आई है जथेबंदियों नूं भी कानून रद्द कर दिओ, कानून रद्द करके असी गलबात लई राजी हां, इतों उरे असी राजी नहीं है। बाकी अगे हुण देखो एको ही गल निबड़दी हुंदी है अखीर ते, आके तां वी जे तां साडा इक है सारिआं दा फिर तां उह गल किते सिरे लग जांदी हुंदी है। ये एक बनया रहे घर जे जिदा किसान निकले हुए मजदूर नूं भी निकलन दा वेला। श्री मुक्तसर साहिब विखे किसानां दे धरने विच पंजाबी गायक कनवर गरेवाल, गुरविंदर बराड़ ते नाल ही समाज सेवी लखा सधाणा पहुंचे, जिथे उन्होंने किसानां नूं संघर्ष जारी रखने लई कहा ते केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। उन्होंने होर भी लोगों नूं अपील की कि वह भी किसानां दा साथ देण तां कि केंद्र सरकार नूं यह पता चले कि किसान एकता की हुंदी आ। आओ सुणदे हां की कहा लखा सधाणा ते पंजाबी गायकां ने। जिहड़ी गल हैगी एक लहर दी लड़ाई दी तां बहुत वड्डा दबाव जे मोदी वल्लों वार वार ये सद्दे आउणे, अज भी चिट्ठी आई है जथेबंदियां नूं कि मैं तुहाडे नाल गलबात करन लई तैयार हाँ, पर मैं जथेबंदियां चलो सुलझियां होईआं ने, सियाणे बंदे ने, संघर्षां दे तजर्बे ने, पर मेरा निजी सुझाव जरूर हैगा कि यार सानूं सिर्फ इन्नी गल दे उत्ते हुण पहरा देण दी लोड़ है भी कानून रद्द कर दिओ, कानून रद्द करके असीं गलबात लई राजी हाँ, इदूं उरे असीं राजी नहीं हैगे। हुण उन्होंने उन्हों का मकसद है भी इतने किसानों बुला लो, बुला के समझाने की कोशिश करेंगे भी किमें सही है, फिर नैशनल मीडिया से खबर चल जानी पंजाब के किसान तो राजी हो गए जी, जिहड़ा दूजे सूबे के घोल भखिया होया तो उन्होंने कितने ढा लाने की कोशिश हैगी। तो मैं लगता कि यार सानू जथेबंदियों को ये सोचने की जरूर लोड़ हैगी। देखो ये मैं कहना चाहना कि यह हुण सरकार ने एक चाल चलती कि जी कोला खत्म हो गया, बिजली गुल हो जानी है, रेह की लोड़ है, रेह नहीं आ रहा, जां जिहड़ियां जरूरी वस्तुआं ने जिवें दवाई है जां होर रोज़मर्रे की जिंदगी असीं वरतदे हां उन्हां दी थुड़ पै रही है। तो ये जथेबंदियां ने पहले ही ऐलान करता भी भाई कोई रेह वाली गड्डी आउंदी है, कोई अपनी जरूरी वस्तुआं वाली गड्डी आउंदी है, कोई कोले वाली गड्डी आउंदी है, असीं नहीं रोकांगे, असीं निघावांगे उन्हां गड्डियां नूं। पर यह जान बुझ के यार देखो आ करोने के बच्चे भी तो माल गड्डिया बंद रही ने ना, कई महीने गड्डिया बंद रही, उदों नहीं कोला मुक् गया, उदों नहीं रेह मुक् गए। हुण इहदे विच तुसीं होर देखो, मैं कल कपूरथले तो आया, उत्थे एक सज्जन ने गल दसी, वह कहिंदा इन्हां ने जिहड़े जखीरेबाज लोग ने इन्हां ने जिहड़ा DAP है यूरिया है वह जमा कर लिया वड्डी मात्रा के अपने स्टोरों के अपन दुकानों के, तो वह लोगों हुण महंगे भाव भी देणगे भी भाई पिछों थुड़ पैगी तो तुम आ 200 या 400 रुपया गट्टा मगर थोड़ा मैं महंगा दवा दिना, तो ऐ भी लोगों की लुट होनी है, सानू सचेत रहने की लोड़ है यार। बाकी हुण इहदे च की होना, ये क्यों चाल खेडी जा रही है शहरां वाले लोगों, जिवें शहरां वाले लोग तुर रहे हैं हौली हौली समझ लग रही है कि लड़ाई यार सारिआं दी है, कल्ले किसान मजदूरां दी नहीं, दुकानदारां दी, व्यापारियों की, छोटे मोटे आड़ती है उन्हां दी लड़ाई है। तो इहदे विच जदों मान लो बिजली बंद कर देनी इन्हां ने, तो शहरां वाले ने पहला सब तो भजना है भी यार एवें किसानां ने नवा पंगा खड़ा करता तो बिजली जिहड़ी बंद हो गई, फिर पिंडां वाले भी कहना शुरू करनगे जिन्हां ने कुछ झोनिआं नूं आखरी अखीरला पानी लाउणा हले, जां जिन्हां ने तुसीं देखो कि अपना दूजा रौनी करनी है वह कहणगे यार नवा पंगा खड़ा करता हुण इह किसानां करके। तो पर मैं ये सोडे चैनल राहीं सुनेहा देना चाहुंदा हर शहर वासी नूं, हर किसान नूं कि यार ये मसले नूं समझण दी लोड़ है, साडे घोल नूं खंडाउण दे लई सारा कुछ चालां चलियां जा रहियां ने, कोई गल नहीं यार जे असीं 20 दिन बिना बत्ती तो रह लाँगे, बिना लाइट तो रह लाँगे, किड्डी की गल है यार कि फाहा पैन लग्या। मैं कहना जे असीं 15 दिन 20 दिन का नेरा झल भी लवेंगे तो यह साडिया आने वाली सदियों लिए एक चानण साबित होना है। दोस्तों चढ़ती कला च ही है सब कुछ, देखो संघर्ष का मेरे ख्याल च एक ग्राफ होंगे, तो मैं लगता कि पहला जोड़े आप 10-15 दिन लंघे है ये अनाउंसमेंट के दिन से, इन्हें बहुत सोहने तरीके अनाउंस हो सारे पंजाब, तो मैं लगता कि पंजाब के चुल्हे चुल्हे तक हम खबर पहुँचता गई कि बिल आया कानून बन गया। बाकी अगे हम देखो एको ही गल निबड़ती होंगी अखीर ते, आके तो भी जे तो साडा एक है सारिआं दा फिर तो वह गल कितें सिरे लग जाती होंगी है, जो हुण पिछले संघर्षा वांगू इत्थे भी आके 15-20 दिन का करंट जद खा के तो उदू बाद अड्डो पट्टी जो होकर बह गए तो फिर भाई कटन पाउण नूं कुछ नहीं होना। सर दीप सिद्धू ते वख-वख चल रहे है की कहना चाहो? नहीं दोस्तों वख कुछ नहीं है, सारे इकट्ठे ही है, बस यह है कि जदों मंजिल सारा दी इक हुंदी है ठीक है, प्लेटफॉर्म आपदे अलग अलग, कोई कितने बैठा अपना कर रहा है, क्योंकि कितने बैठा है तो मैं नहीं लगता कि उस चीज़ को कोई बड़ा पणतू सरकारां एक रेह दा ते बिजली दा कह रही है जी वार वार, की कहना चाहोगे इहदे बारे?
ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਜੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਆ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਫ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ